Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and this is sixth video lesson on the center of mass, where I'm going to discuss some good amount of questions based on the conservation of momentum and the retainment of center of mass. आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू गाइस मस्ट हैव सीन द प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन डीप डिटेल. आप उसको देख चुके होंगे. नहीं देखे हो, इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो लेसन. द लिंक आई एम गोना प्रोवाइड इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसको देखो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर आप आज के क्लासेस को समझ पाओगे, मजे में अंडरस्टैंड करोगे, है ना. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर दैट लिटिल बिट ऑफ थिंग व्हिच वाज लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो लेसन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूं और फिर हम लोग आगे फटाफट बढ़ जाएंगे. मैंने बोला था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ F external is zero, that implies that momentum remains conserved, that a change in the momentum is zero. Now the momentum could have, there could be some initial momentum or it could be zero also, to koi fark nahi padta, but change in the momentum will be zero, that is for sure. Now the change in momentum, since it is a vector quantity, we can talk about this in x coordinate, y coordinate, z coordinate, teenon mein baat kar sakte. तो ऐसा नहीं है कि अगर x में फोर्स जीरो है तो y में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं. इट हैज टू बी इन द सेम कोऑर्डिनेट्स जहां फोर्स जीरो है. तो इसको हम लोग थ्री कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हैं. तो यू नो, लेट अस सपोज कि द फोर्स इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स बी इट x, y एंड z आर जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन द मोमेंटम इन x कोऑर्डिनेट आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंड मोमेंटम इन y कोऑर्डिनेट्स could also be visualized individually. Likewise, momentum in z coordinates could also be visualized individually. हम तीनों को अलग अलग देख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है. All good? Now, having said this, let us see one simple question wherein, let's suppose we have, और मैंने एक बात और बताया था, if the velocity of all the particles of a system becomes equal, then that velocity is going to be the velocity of center of mass. तो इसी पे एक क्वेश्चन आपको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से समझना और इसको इंप्लीमेंट करना. लेट अस सपोज आई हैव वन, यू कैन से द ब्लॉक, और आई हैव वन मोर ब्लॉक ऑन दिस, ऐसा कुछ, ठीक है. लेट अस सपोज द मास ऑफ दिस इज m, और इसका मास कुछ वैल्यू ले लेते हैं ना, तो इसका कुछ ले लो कि वैल्यू है, ये आपका 2 kg का है. एंड लेट अस से दैट दिस इज योर 4 kg, ये आपका 4 kg का दो प्लैंक्स है और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है. द सर्फेस ऑन विच इट इज केप्ट इज फ्रिक्शनलेस, मीन्स फ्रिक्शन इज जीरो इन दिस केस. एंड यहां पे वी हैव सम फ्रिक्शन, हियर वी हैव सम फ्रिक्शन, तो म्यू कुछ यहां पे होगा, आपका वहां पे फ्रिक्शन है. नाउ लेट अस से दैट इनिशियली बोथ ऑफ दीज वर एट रेस्ट, ये दोनों रेस्ट पे था, बट दिस स्टार्टेड मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स सपोज 5 m/s. They started moving at 5 m/s. Now, what's going to happen? Since there is a friction between these two blocks, so the friction force on this would be applied in this direction, and the friction force on this block by the plank should be in this direction, which will try to oppose it. And this friction would drive this plank, the bigger one ko, it drive karega. Now, over the period of time, इसका velocity क्या होगा बच्चों? कम होता जाएगा, because इसका जो force है, that is opposite to the velocity. इसका force हो जाएगा, इसका opposite में, तो इसका, you know, the velocity will keep on decreasing. On the other hand, इसका velocity would increase. The reason is the friction force is in the direction of right hand side, which is in the direction of the velocity of this one. Now there is going to be a time when both the velocity probably would become equal. जब यहाँ की velocity equal हो जाएगा, तो you have to find the velocity of center of mass when both blocks have the common velocity. जब दोनों के पास जो velocity हो जाएगा वो same हो जाएगा, at that point of time, what is going to be the velocity of center of mass? ये आपका बच्चों प्रश्न है, this is your question. अब आप इसको solve करेंगे, है ना. बढ़िया. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ आई ट्राई एंड सॉल्व इट, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टू फाइंड. बट इफ आई नो दैट
If all the particles of a system has common velocity, then that velocity is also the velocity of center of mass. अगर इस concept को अपने को पता है, then इसका final velocity निकालना कोई भी मुश्किल काम है नहीं. Now, let us understand one more thing. What are the forces that is acting on this in the horizontal direction? क्योंकि हमारा motion horizontal direction में हो रहा है, तो we have to understand, do we have any external force in the horizontal direction or not? क्या ऐसा कोई force है? तो by looking upon this, I can say, no. F external in let's suppose x direction is zero. Horizontal में जिसको हम x मान लेते हैं, force आपका external zero है. तो सर friction क्या है? भैया friction तो आपका internal force हो गया. The friction is acting between these two blocks और इसको हम पूरा एक system मान लेते हैं. Then this friction is going to be the internal force. And they are going to counter each other. वो आपस में एक दूसरे को मार पिटाई करके खत्म कर देगा. तो friction is the internal force. पहली बात है. It means net external force is zero. So that means we can apply the conservation of momentum. We can apply the theory of principle of conservation of momentum. तो मानकर चलते हैं कि momentum हमारा जो x में है वो constant रहेगा. Momentum in the x direction is going to be constant without any hesitation. I can apply that. That means initial momentum p initial should be equals to p final. मान लो कि both the blocks are moving towards right with a common velocity, उसको हम final situations बोलते हैं. तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा total mass into velocity of the center of mass, क्योंकि हमको पता है momentum of a system is equals to momentum of system, center of mass. Momentum of the system is equals to momentum of center of mass. मैंने आपको कल ही बता रखा है. तो this is my final situation. Initial क्या हो जाएगा? इसका momentum 2 kg block का. तो 2 times 5. राइट है, तो पॉजिटिव. इनिशियली दिस फेलो हैज नो वेलोसिटी, तो इसका कितना हो जाएगा मोमेंटम? जीरो. तो बच्चों क्या मिल गया मेरे को? 10. और मास, m इज द मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, व्हिच मींस 4 प्लस 2 6 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखो कितना मजे में वी हैव गॉट द आंसर. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोना बी 10 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड, व्हिच इवेंचुअली इज गोना बी 5 upon 3 meter per second. It means this is the velocity when both the blocks would achieve the common velocity. Or isme ek aur prashn puch sakta tha. They could have asked you one question, find the common velocity. Find the common velocity. To aap usko nikal sakte ho. Because common velocity agar ho jata hai, to that is going to be the velocity of center of mass. Bahut important concept hai. Aur mujhe umeed hai ki aapko ye samajh mein aaya hoga. Nahin, to pahle ka video dekhna. Usme maine bola tha ki agar all the particles of a body starts moving with the same velocity, then that velocity is the nothing but velocity of center of mass. Aur is concept ko use karke hum log kitna maze mein asani se isko humne bana liya. Hai na? Chalo. Having done this, let us move towards एक और क्वेश्चन करते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स से हमने मान लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हमने माना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इसको आप एक्स मान लो, इसको आप वाई मान लो. लेट्स से आई हैव टू ब्लॉक्स. एक इस तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड, है ना. एक मास यहां पे है, इसको मान लो m1. इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग दिस. I have one more block जो कि यहाँ पे है, and that is let's suppose moving ऐसा जा रहा है कि वो you know ऐसा moving at an angle of 37 degree at इसका भी velocity 5 meter per second है. This is your mass m2. This is your mass m2. हमने masses का कुछ value ले लेते हैं, है ना. Masses का कुछ value ले लेते हैं. इसको मान लो कि ये 5 kg का है, ये आपका 5 kg है. Is equals to 5 kg और ये आपका हो गया let's suppose 3 kg. ये आपका 3 kg का है. Now they are coming, they are you know reaching approaching each other. तो कहीं ना कहीं जाके they would collide. वो लोग collision करेगा, वो लोग collide कर जाएगा. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है velocity of the center of mass. Find velocity of center of mass. Find velocity of center of mass 3 seconds before the collision. 3 seconds before the collision. Before collision. I believe कि ये part आपके कैमरा में आ रहा होगा, नहीं तो मैं देख लेता हूँ. Yes, again on the boundary line. So find the velocity of the center of mass 3 seconds before the collision. ये आपका पहला part हो गया. दूसरा part जो है, the second part what we have is find the velocity of और position निकाल लो ना. Find displacement
find displacement of center of mass 2 second after collision. 2 second after collision. आपको ये दो क्वेश्चंस करने हैं, फाइंड द यू नो डिस्प्लेसमेंट और 2 second आफ्टर द कोलिजन. 2 second आफ्टर द कोलिजन. अच्छा एक चीज और ऐड करते हैं कि लेट अस सपोज दे कोलाइड एट ओरिजिन, यू नो दे कोलाइड एट ओरिजिन, कोलाइड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वो कोलाइड करते हैं. आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी 3 second बिफोर द कोलिजन एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कर दो आप पोजिशन वेक्टर कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए. फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 second आफ्टर द कोलिजन. चलिए इसको ट्राई कीजिए. मीनवाइल आई एम गोना इरेज दिस पार्ट और फिर हम लोग इसको साथ में करेंगे. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गिव इट अ जेन्युइन ट्राई. आप उसको ट्राई करो. Yesterday, I have taught you about the velocities of center of mass, position vector of center of mass, displacement of center of mass. ये सारे बातें मैंने आपको कल, acceleration of center of mass, all these things I had discussed in the previous video. ठीक है, I hope आप इसको try कर चुके होंगे. You guys must have given it a genuine try. अब हम इसको साथ में करेंगे. पहली बात तो है, the bodies are moving in two dimension. ये जो body है, two dimension में इसका movement है, and this body is moving along the y direction. तो ठीक है, इसका movement is in one dimension. हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं. तो पहली बात तो ऐसा निकाल लो, वेलोसिटी vx कितना हो जाएगा बच्चों? इसका vx हो गया आपका 5 cos 37, तो कितना हो गया 4 meter per second. और एक कितना हो गया, दिस इज गोना बी 3 meter per second. आई बिलीव आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं. 5 cos 37 अपने को पता. ठीक है चलो. नाउ सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ मेंशन है भी नहीं. बट एनीवेज अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वेलोसिटी. I have discussed in the previous cases, previous class में discuss किया था कि velocity of center of mass क्या होता है. Velocity of center of mass is nothing but mv summation of that upon summation of m. This is the velocity of the center of mass. तो हम क्या करेंगे, what we gonna do is we gonna find the velocity of the center of mass in the x coordinate and the velocity of center of mass in the y coordinate and finally उसका हम लोग vector sum ले लेंगे. तो फटाफट मैं ऐसा start करता हूँ. Velocity of center of mass in x direction, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 v1 in x direction plus m2 v2 in x direction upon m1 plus m2. कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं. तो m2 उधर है और m1 नीचे है. m1 का velocity in the x direction कितना है, 0, क्योंकि it is moving in the vertical y direction. और m2 कितना हो गया आपका 3 kg and velocity is towards left, आप इसको लोगे -4. और masses कितने हो गए total, 5 plus 3 8, तो आपको कितना होगा, this is going to be -12/8. I cap ले लो क्योंकि we are talking about x direction. So this is going to be how much, -1.5 I cap meter per second. All good, correct, बहुत अच्छे. Likewise we are going to find the velocity of the center of mass in the y coordinate. Same thing, m1 v1 in the y direction plus m2 v2 in the y direction upon m1 plus m2. Now m1 is how much, 5. Velocity क्या ऊपर की ओर, that's gonna be positive 5, all good. For that one, it's downward. M2 कितना है? That is 3. Velocity is downward with a 3 meter per second. Again, mass is 5 plus 3, 8. My bad, it's gonna be 8. J cap, you know, J cap meter per second. All good. This is gonna be 25 minus 12, 25 minus 9. Sorry, that's gonna be 16 upon 8. I J cap, all good. So that is gonna be 2 j cap meter per second is the velocity in the y coordinate, which means my dear the center of mass ka jo velocity ho gaya, it's going to be -1.5 towards this and 2, you know, aapka ho gaya in the positive y direction. To dikkat nahi hai, apne ko iska resultant mil jayega. That is going to be somewhere here. अपने किसी एंगल पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. We can easily find that. But my question was find the velocity. The velocity तो अपने को मिल गया. So the velocity 3 second before the collision should be how much? आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. Velocity should be -1.5 I cap plus 2 J cap. And if you want to find the magnitude of the velocity, that should be how much? 1.5 square 2 square. आप इसको आराम से लिख सकते हो. 2.25 plus 4. आपका हो गया 6.25 root, which is going to be how much? 2.5 meter per second. All good.
दैट इज गोना बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. एंगल चाहिए आपको तो 1.5 अपॉन 2 कर दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू, चलो उसको भी लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दैट इज थीटा, एंगल शुड बी हाउ मच आपका 1.5 अपॉन 2 हो गया, तो टिक 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 है ना 5, सो tan थीटा इज गोना बी 3 अपॉन 4, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है इट इज 37 डिग्री. ठीक है, तो ऑब्वियसली द एंगल विल बी बिटवीन देम विल बी 37 डिग्री क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी वैसा ही ले रखा था. टुडे इज स्लाइटली हॉट सीजन, ऑल गुड. इतना हो गया. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड्स आफ्टर द कोलिजन. देखो बड़ा सिंपल से बात है, वेलोसिटी इज नाउ नोन टू यू, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड्स, तो खटाखट मल्टीप्लाई कर दो इससे, कहां गया वेलोसिटी, इधर है, इससे मल्टीप्लाई कर दो. तो सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, यू नो सॉरी यू नो पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड. तो आपको क्या ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2v है ना, बिकॉज इट इज कोलाइडिंग एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे आ गया ड्यूरिंग द कोलिजन, और आपका आफ्टर 2 सेकंड्स ये आपका वेलोसिटी है, टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज गोना बी हाउ मच, नेगेटिव 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकंड्स. ये आपका इजीली बन गया, बहुत ही मजे में, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको इसमें दिख नहीं रही होगी. आई बिलीव आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इसमें कोई भी मुश्किल, यू आर नॉट फेसिंग एनी इश्यूज विद दिस थिंग्स. इफ यू फेस एनी इश्यूज डू लेट मी नो, बिल्कुल भी बताओ मेरे को, डू लेट मी नो वेर एवर यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो लेसन ऑन दैट एंड आई एम गोना डू दैट. Also, I'm planning to make some video on the previous year questions for the JEE as well as the NEET. So that is going to be coming very very soon. वो फटाफट उसको हम लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को उससे कुछ benefits मिले. चलो, having done this, फटाफट हम लोग एक और नए question की तरफ चलते हैं. आज I'm going to try and do as many questions as possible. Now, if you want to interact with me, you have my email ID given up in the description box, and you can also interact with me through the comment box. हम वहां से भी बातें कर सकते हैं इफ यू नीड टू, इफ यू वांट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द फिजिक्स. ओके, बढ़िया. चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं. लेट्स से टू बॉडीज, लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ टू बॉडीज आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, बड़ा ही गंदा हो गया. इफ टू बॉडीज आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If two bodies are moving opposite to each other with an acceleration of 1 meter per second square and 4 meter per second square, find 2 meter per second square. Chalo, number 3. Two bodies are moving opposite to each other at 1 meter per second square and let us say aapka 2 meter per second square. Iska mass le lo 4 kg le lo. Iska mass le lo 2 kg. Find the acceleration of center of mass. Find the acceleration of center of mass. आपको इसका acceleration बच्चों निकालना है. देखो बहुत सिंपल है, इसमें मैं बिल्कुल भी ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूं. अपने को पता है कि acceleration of center of mass क्या होता है, ma1 अगर दो बॉडीज है तो, प्लस ma2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. बिल्कुल भी इसमें कोई भी मुश्किल बात तो है नहीं. आपका m1 क्या हो गया, 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी m है 2, एक्सेलरेशन इज 1 टुवर्ड्स राइट, सो पॉजिटिव ले लो. m2 कितना है बच्चों, 4 kg, बट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस ले लो, और कितना हो गया 4 प्लस 2 6, तो कोई भी मुश्किल वाली बात है ही नहीं, है ना. तो नेगेटिव 6 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स से आई हैव अ पुली और इसमें टू मासेस आर कनेक्टेड. लेट्स सपोज दिस इज माय m1 और बच्चों एक आप और है, लेट अस सपोज दैट इज m2. लेट्स से दैट, बड़ा ही खतरनाक बन गया. चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेते ना. नाउ लेट अस सपोज दिस एंटायर सिस्टम इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a. आपका a से जा रहा है डाउन एंड दिस इज गोना बी गोइंग अप. द स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड द पुली इज ऑल्सो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स है. Now you have to tell me, find the acceleration of center of mass. Find acceleration of center of mass of this system. चलिए, find the acceleration of the center of mass of this system. इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं. I'm sure आप इसको अच्छे से कर लोगे. चलो फटाफट try करो. Meanwhile, I'm going to clean this part as well. तब तक आप उसको try करो.
यू गिव इट अ ट्राई। चलिए इसको आप ट्राई करो। आई बिलीव कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखो बड़ा सिंपल से बात है, द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस इज द ग्रेविटी। एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। इट मींस कि मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ऑल गुड, बिकॉज वी हैव एक्सटर्नल फोर्स। वी हैव इफ एक्सटर्नल ओवर हियर इज नॉट जीरो, इट मींस द मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। नाउ व्हाट आर वी गोना डू इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो? ऑब्वियसली हमने कल आपको बताया था कि अगर दिस इज द कंडीशन देन यू कैन ओनली वर्क आउट विद दिस इज इफ एक्सटर्नल शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस कहानी खत्म हो गया। आपको यही करना है इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो। और तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, है ना? अपने को दिमाग ज्यादा लगाना होता ही नहीं है। जैसे कि मेरे मैथ्स सर बोला करते थे, दिमाग मत लगाओ, जो बोलते हैं सुनो। एंड इनिशियली वी फाउंड किया हाउ रूड इज ही, बट लेटर ऑन वी हैव रियलाइज्ड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड यू नो वी कैन अप्लाई द ब्रेन्स वेरेवर इट इज नीडेड। बट आपको स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन सीखने होते हैं, वह concepts and the process you have to learn. Once you become pro, आप खुद ही खुद अगर एक particular question का एक ही method हो रहा है, अच्छा method हो रहा है, आप खुद ब खुद उस पर जाओगे। But you know if you have some other method also, आप उसको try करोगे। But for that you have to be like pro, आपको in and out आना चाहिए। That is very important कि initially आप उसको stuck करो the way the teacher tells you, provided he is telling the right thing. And we had a great faith in our maths teacher. He was an amazing one. He was an amazing person. I do still remember his face. And the way he used to get angry on us sometime. Nice one. Anyways, कभी कभी teachers है ना, डांट वाला खाना बहुत जरूरी होता है। It's very essential to get scolding from the teachers. बहुत जरूरी होता है। Okay, हमने तो डांट खाए हैं जी, है ना? Okay. अच्छा, तो इस केस में क्या हो गया बच्चों? एक फटाफट काम करते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, that is what we're gonna find. तो बड़ा सिंपल सा मेरे को दिख रहा है कि इस पे तो लगेगा, this is how it's gonna be act on this M2G and here we're gonna have M1G. M1G. Now, and here we have tension T and here we have tension T. है ना? Okay. Luckily, you guys are studying with me on the YouTube. You can ask talk to me, the guys who I teach, whom I teach personally. तो when they don't do things properly, what I say is मैंने घूसे मारने हैं, though it's other thing that I don't hit them for sure, but घूसे मारने, तो आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो आपने भी घूसे खाने होंगे, ठीक है जी? Anyways, coming back to this one, so the net force acting on this entire system, if I take this two block as a system, तो 2T upward direction में लग रहा है and M1G plus M2G is the downward force, So, bachcho, if external, please do not take T as the internal force, क्योंकि system is our two blocks. ये पूरा का पूरा system हमने नहीं माना है. These two blocks are the system. Then if external, my dear, since the block is going down, तो net external force नीचे ज़्यादा होगा compared to the upward direction. तो net external force, my dear guys, that's gonna be how much? M1G minus M2, sorry, plus M2G minus two times of T. That should be the total mass is gonna be how much? M1 plus M2 times the center of mass ka acceleration. The center of mass ka acceleration is the equation that we have over here. Achhi baat hai. Ab kya karna hai? The only thing which is missing is this 2T. T ka value we have to find. Apan ko T ka value nikalna hoga. Once I could get that, we can easily use this that, center of mass would be how much? This upon M1 plus M2. To acceleration of center of mass should be given as M1 plus M2, you can take out G common, minus 2T upon M1 plus M2. Well, if I could get the value of T, हमारा काम हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात इसमें भी नहीं है। तो चलो T निकालना भी कौन सा मुश्किल काम है, we can easily find how, वो equation फटाफट लिख देते हैं। तो M2G, तो इसमें तो आप pro हो चुके होंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। M2G minus T is equals to M2A, और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? T minus M1G is equals to M1A. बड़ा सिंपल सा तरीका है, I do not want the value of A, तो A को equate करके हटा दो खटाफट, तो क्या मिल जाएगा अपन को? अपन को मिल जाएगा M2 minus M2G minus T upon M2 should be equals to T minus M1G upon कितना हो जाएगा M1, है ना? Right? These two gonna be equal. फटाफट equate कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा?
M1 M2 G minus M1 T should be equals to M2 T minus M1 M2 G. Now, चलो इधर लिख लेते हैं फटाफट. I'm gonna write it here. तो this and this is gonna be this side. तो हो जाएगा 2T. तो I'll be getting what? T, मैं इसको directly लिख दे रहा हूँ, ठीक है? T is gonna be 2 times of M1 M2 G upon क्या हो जाएगा? M1 plus M2 हो गया. M1 plus M2. बहुत ही सिंपल तरीके से अपने को T मिल गया. Now, let us put the value of T over here. यहाँ पर T का value डाल देंगे equation 1 में and we can easily get the acceleration of center of mass. तो using 1 इधर कर लेते हैं ना, using 1 और इसको मान लो 2, using 1 and 2. So my dear guys, I'm going to get acceleration of center of mass, that is going to be, हटाओ इसको, M1 plus M2, if I simplify that part, देखो, these two will get cancelled, क्या बच गया मेरे पास, G minus 2T upon M1 plus M2, अच्छी बात है, G minus 2, T का वैल्यू कितना मिल गया जी मेरे को, T हो गया 2 times of M1 M2 G upon M1 plus M2, ये हो गया आपका 2T, और ये नीचे भी ये हो गया this part, तो हो जाएगा आपका square हो गया, all good, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सही जा रहा है, हाँ ठीक है, चलिए, तो अभी क्या हो जाएगा, now what we're gonna have is, आपका इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा G would be taken out common, तो मैं G को बाहर लिख लेता हूँ, this is gonna be M1 square plus M2 square plus 2 times of M1 M2, और हो गया minus 4 times of M1 M2 upon M1 plus M2 का whole square. Okay, so this is gonna be how much? M1 square plus M2 square, ये हो गया minus, that guys could be written as M1 minus M2 ka whole square times of G upon M1 plus M2 ka whole square. So this is the acceleration of center of mass aur ek downward ki direction mein hoga. Koi dikkat wali baat apne ko yahan pe hai nahi. To aap isko acche se bahut sundar tarike se likh sakte ho. Isko aap acche se likh sakte ho. Acceleration of center of mass is going to be M1 minus M2 upon M1 plus M2 whole square times of G. So that is going to be the acceleration of the center of mass. और बहुत ही आसानी से हमने इसको solve कर लिया. That is going to be the acceleration of the center of mass. कोई दिक्कत बच्चों? Very good. चलो फटाफट इसको note कर लो. And then we going to move towards the और भी अच्छे question की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है? अच्छी बात है. चलिए. I believe you guys are following what I'm teaching you. आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. आप इसको note down कर लो. I'm going to move on towards the next problem. And if you know, I believe people have seen the previous video. If you have liked that video, do not forget to like, share and subscribe. You know, aap usko bilkul bhi ignore mat karo. Aap isko share with your friends. And do let me know if you want some changes or if you want something in specific in particular, do let me know that as well. Now, it's quite okay. It's quite clear. It's quite good to say for you guys to like, share and subscribe. Well, that's how it goes, you know. Aisa nahi ki it's all about the ki sir aap promote kar rahe ho. That's obvious thing. You know, it's obvious thing to promote. Until I reach out to you properly, how things gonna grow up, you know. So, there's nothing wrong in promoting. That's how the things should go. Okay, anyways, let's move on to the number 5. To usko aap log positively lo. Usko aisa mat socho, sir aap promote karne mein lage ho. Until it promotes, guys, so definitely it's not gonna progress, and if it does not progress, things will not be as per what has been planned. Anyways, acha, suppose ki I have a string that is connected to the ceiling, aur ispe na 4 monkeys hai, 4 monkeys we have, sare ke sare bandar ispe maje kar rahe hain. So let us suppose this is monkey 1, this is monkey 2, this is monkey 3, and this is your monkey 4. Ye hamare 4 monkeys hain. इनके कुछ वेट्स हमने ले लेने हैं, ठीक है? So let's suppose this is 15 kg, this is 25 kg, this is 20 kg, and let's suppose सबसे मोटा वाला मंकी जो है वो नीचे है, because he could not climb up, वो ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाया था, तो इसका हमने 40 kg ले लिया है. Now let us talk about the acceleration. This monkey is climbing up with an acceleration of 1 m/s². ये भैया नीचे जा रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और ही इज एट रेस्ट, ही इज एट रेस्ट, और ये भाई साहब जो हैं
वो नीचे की ओर आ रहे हैं, इट्स कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ लेट सपोज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. योर क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द रूफ, ऑन द सीलिंग. आप उसको जो भी बोलना चाहो यू कैन क्लेम इट. सो नाउ प्लीज डू नॉट गेट मिस इंटरप्रेटेड दैट द फोर्स ऑन दिस इज गोना बी द वेट ऑफ सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल दिस मंकीज. नाउ इफ यू होल्डिंग अ रॉड यू नो अ रोप, आपका वेट लग रहा होगा, बट वंस यू ट्राई पुलिंग इट अप ना, तो व्हाट हैपेंस, यू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स बिकॉज यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ विद सर्टेन एक्सेलरेशन. तो टेंशन इन दैट स्ट्रिंग इज गोना बी मोर देन योर वेट. इसमें मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी एनएलएम में बहुत सारे कर रखे हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज उसको भी देखना. सो यू नो दिस द टेंशन ऑन दिस और द फोर्स, द टोटल फोर्स व्हाट द सीलिंग विल बी एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू दीज मंकीज आर नॉट जस्ट गोना बी द वेट ऑफ दीज मंकीज बिकॉज वी हैव टू एक्सेलरेटेड मंकीज. हाँ, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर ऐसे ही यू नो टंग गए होते हैं, इन दैट केस इट कुड हैव बीन द वेट, बट नाउ इन दिस केस दैट इज नॉट द वेट. ओके, नाउ फोर्स एक्टिंग और एग्जर्टेड बाय द रोप ऑन द सीलिंग. तो एक सिंपल सी बात समझ लो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा फॉर ऑल दिस मंकीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दिस मंकीज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड. वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हो रहा होगा. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोना यूज ओवर हियर. इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है, स्ट्रिंग पे जितने सारे टेंशन लग रहे होंगे, दैट इज गोना बी द एक्सटर्नल फोर्स इन दिस इंटायर मंकी स्ट्रिंग सिस्टम. पूरा मंकी स्ट्रिंग सिस्टम में वो हो गया. हमने पता किया, व्हाट डू वी नो, द फोर्स एक्सर्टेड एक्सटर्नल शुड बी व्हाट, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. व्हाट डू वी नीड, आई नीड दिस, मेरे को ये चाहिए. व्हाट डू आई हैव दिस टोटल मास, देन इट मीन्स आई नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, देन आई मस्ट फाइंड दिस वन. नाउ इंटायर मोशन इज हैपनिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. बच्चों क्या होता है, जस्ट नाउ वी हैड सीन m टाइम्स ऑफ a अपॉन द समेशन ऑफ द मास. कोई दिक्कत नहीं, इजिली इसको हम निकाल सकते हैं, है ना. चलो फटाफट काम करते हैं. अपवर्ड डायरेक्शन वी गोना टेक पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड वी गोना टेक नेगेटिव. स्टार्ट करते हैं मंकी वन से. सो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप बिलीव कि आप इसको समझ पा रहे हो. This is a case when the net external force is not zero. In that case, only one weapon that we have is this formula. इसी relation पे हमारा पूरा काम टिंग टोंग करेगा. हम उसी पे फिर से टिंग टोंग करने जा रहे हैं. So the acceleration of center of mass is going to be how much? We have four monkeys. So m1 a1 upward positive. 15 times of 1 is going to be 15. सीधा सीधा बात है, कोई दिक्कत नहीं है. हर एक time भी लिखने का जरूरत नहीं है. आप छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे हो क्या, है ना, वो तो हो नहीं आप. Now this is downward. तो negative 3. 25 times negative 3 is going to be negative 75. बहुत अच्छे. He is at rest, so 0. Now he is moving at a constant velocity, so that also adds up to 0. Total mass कितना हो गया? देखो, 40 plus 2 60, 60 plus 40 is 100. We're going to have 100. Well, that's going to be how much? Negative 60 upon 100 meter per second square. Tick to tick, we'll be having negative 6 upon 10. मीटर पर सेकेंड इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को सजेस्ट कर रहा है दिस नेगेटिव साइन. ठीक है, अब चलो यूज कर लेते हैं इसको. लेट अस यूज दिस वन. तो हमने क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी हाउ मच, शुड बी टोटल मास, टोटल मास इज 100. सॉरी अबाउट दैट. ओके, नाउ ये हो गया आपका 100, हो गया 100 kg आपका टोटल मास हो रखा है. और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बच्चों, माइनस 6 अपॉन 10, सो दैट इज गोना बी माइनस 60 न्यूटन, है ना. तो फोर्स एक्सटर्नल जो होगा नीचे की ओर लग रहा होगा, 60 न्यूटन का फोर्स इसमें. ठीक है जी, ओके. सो अभी देखो कितना हो गया, माइनस 60 न्यूटन. ऑल गुड. अब देखो, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. लेट अस सपोज दैट इफ आवर सीलिंग से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, लेट सपोज वन पर्सन इज ट्राइंग टू क्लाइंब ऑन दिस, इस पे एक क्लाइंब करना चाह रहा है. Let us say that his mass is m and he is applying a tension T and he is moving up, let us suppose with an acceleration of a. So how do you write the equation of this one? Iska equation kaise likhte ho aap? Ek force is pe mg niche ki or lag raha hai na, and since he is going upward, so what do we write? T minus mg is equals to ma. Yahi maine aapko NLM mein sikhaya tha
इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेगेटिव, इट मींस दिस इंटायर मंकी सिस्टम, ये पूरा मंकी जो सिस्टम है, ये पूरा इंटायर थिंग इज कमिंग डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज डाउनवर्ड। नाउ डाउनवर्ड विच फोर्स इज एक्टिंग, डाउनवर्ड इज देयर वेट, ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऊपर में क्या लग रहा है, व्हाट इज एक्टिंग अपवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस केस में क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन ऑन दिस केस इज द इक्वेशन शुड बी टोटल mg माइनस द टेंशन t शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेगेटिव सो कर रहा है, इट इज डाउनवर्ड, तो ऑलरेडी हमने इक्वेशन लिख दिया है, तो कितना हो जाएगा, हाँ 60 डाउनवर्ड, m into a is going to be how much, 60, आप समझ रहे हो इसको ना, दिस इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज मंकी थिंग्स, है ना, तो उसका कितना हो गया 60, और वो डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, अच्छी बात है। तो इट मींस व्हाट्स गोना हैपन, आई वांट टू फाइंड द टेंशन, टेंशन शुड बी हाउ मच, m, टोटल मास इज हाउ मच 100, ग्रेविटी 10 लगा दो और कितना हो गया 60, दैट मींस 1000 माइनस 60 940 न्यूटन इज गोना बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इतना ही फोर्स लगाएगा आपका सीलिंग स्ट्रिंग पे लगाएगा, और स्ट्रिंग भी इतना ही फोर्स आपको उसके सीलिंग पे लग रहा होगा, तो द आंसर इज 940 न्यूटन। देखो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस विल चेक योर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस सिचुएशंस, कि व्हाट्स गोना हैपन व्हेन समवन इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप, उस केस में टेंशन का जो यू नो इवैल्यूएशंस है दैट चेंजेस, है ना जी, बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ हम लोग एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, इसे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, आई विल नॉट बी एबल टू कवर अप ऑल द क्वेश्चंस इन वन सिंगल वीडियोस, तो इसमें मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा एंड आई एम गोना कवर अप मोर क्वेश्चंस विद यू पीपल, है ना, या फिर मैं आपको एक होमवर्क देकर जाता हूं, आप उसको ट्राई करना, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन द सेंटर ऑफ मास, आपने उसको ट्राई करना है, एंड यू नो आई वुड डिस्कस ऑन दैट एंड रिलेटेड टू ऑल दिस यू नो थिंग्स विद दैट आई एम गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आप इसको फटाफट होमवर्क देख लो। सपोज this is a plank, this is a plank and it is kept on a frictionless surface, a frictionless surface pe rakha hua hai and the length of the plank is l, this is the one of the commonly found question, aapko har ek jagah dikhega, let us suppose a boy is standing over here, let's suppose mass of this plank is 50 kg and mass of this boy is let's suppose 20 kg, initially both of these are at rest, abhi kya ho raha hai na, abhi kya ho raha hai, Now boy starts moving towards right. वो किसी एक velocity से rightward move करना start होता है. From the point A towards the another end, let's suppose that is B. You know, when he moves, this plank would shift backward because there is no friction. At this point, friction is zero, and at this point in this surface, we have some friction. The plank would start shifting towards left. So you have to find the distance. Find the distance moved by plank by the time boy reaches the other end, वो दूसरे end पे पहुंचता है उस time पे, by the time he reaches the other end, आपको बताना है कि plank कितना distance in the backward direction move कर जाएगा, and we're gonna discuss whole sort of you know detailed analysis of this kind of questions, and apart from this I'm going to do multiple more questions, many more questions based on the concept of conservation of momentum. Abhi to humne just start kiya hai, I'm going to take one more lecture on this concept, usse hamare jo concepts hai aapka wo thoda clear ho jaye. Wrap up the today's video lesson and I'm going to see you in the next video, and wahan pe hum again we're going to do a lot of questions. Till then keep studying and keep learning, aur bilkul bhi लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इफ यू लाइक द वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड इफ यू वॉन्ट टू सम चेंजेस डू लेट मी नो विद द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, बढ़िया, तो आप इसको बिल्कुल भी फैलाएं अपने दोस्तों तक, दैट्स गोना बी अ ग्रेट हेल्प, आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।